तो आइए आज के इस वीडियो में हम ये जानते हैं कि आखिर वो कौन से ऐसे तरीके हैं जिनकी मदद से आप अपने स्ट्रेच मार्क्स को गायब कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। मेरे पास कई सारे सवाल आते हैं जिनमें लोग ये पूछते हैं कि कुछ ऐसे तरीके बताएं जिनकी मदद से आपके स्ट्रेच मार्क्स खत्म हो जाएं। बहुत आम सी समस्या है और एक ऐसी समस्या है जिसकी वजह से आपको ऐसा महसूस होता है कि आपकी खूबसूरती में और आपके कॉन्फिडेंस में कमी आ जाती है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम ये जानते हैं कि आखिर वो कौन से ऐसे तरीके हैं जिनकी मदद से आप अपने स्ट्रेच मार्क्स को गायब कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। ये दावा जितनी भी रेमेडीज करती है, जितने भी लोग करते हैं आपसे, उसके पीछे का सच क्या है आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ में वीडियो में आपको ये भी पता चलने वाला है कि आयुर्वेद का वो कौन सा ऐसा उपाय है जो आपकी इसमें मदद कर सकता है। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। जानकारी अगर अच्छी लगे तो दूसरों तक भी पहुंचाइएगा, हो सकता है किसी की मदद कर सकें आप। साथ ही चैनल किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए, आयुर्वेद से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, उस रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियोस अपलोड किया करूं नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इस बहुत बड़ी प्रॉब्लम के बारे में। आइए आज के इस वीडियो में बात करते हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसे हम सभी देखते हैं पर पसंद बिल्कुल नहीं करते हैं और लगभग सभी को होता है। तो ये क्या है? ये है स्ट्रेच मार्क, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। स्ट्रेच मार्क्स क्या हैं, क्यों होते हैं और ठीक कैसे होते हैं, आज के इस वीडियो का कॉन्टेंट यही है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्यों होते हैं ये स्ट्रेच मार्क्स। तो स्ट्रेच मार्क्स होने के कारण है, सबसे पहला हार्मोनल स्ट्रेस, जो प्यूबर्टी यानी कि तरुणावस्था में जब हम प्रवेश करते हैं तो उस दौरान बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उनकी वजह से या प्रेगनेंसी की वजह से। दूसरा जो कारण है वो है मैकेनिकल स्ट्रेस। हमारी स्किन में जब स्ट्रेस आता है, तनाव आता है या फिर उसमें रैपिड एक्सपेंशन जिसे हम कहते हैं वो होता है एक्सरसाइज के दौरान या वेट गेन या वेट लॉस के दौरान या फिर प्रेगनेंसी के दौरान, उसकी वजह से स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। इसके बाद एक बहुत बड़ा रीज़न है ओबेसिटी, स्टेरॉयड यूज़ भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। साथ ही स्ट्रेच मार्क्स कभी कभार जेनेटिक भी होते हैं। स्ट्रेच मार्क्स जनरली एक ऐसी समस्या है जो आपके लिए एक बहुत कंसर्न का मामला हो जाती है और ये कंसर्न आपको लेकर चली जाती है एक अनंत खोज पर। खोज ऐसी जिसमें आप कई तरीके की रेमेडीज खोजने लगते हैं, दवाएं खोजने लगते हैं, कुछ बस पता चल जाए जो इसको हटा दे, जो हमें इससे मुक्ति दिला दे। आप बहुत प्रयास करते हैं, बहुत पसीना बहाते हैं, इतने अथक प्रयास के बाद आपको कई तरीके की रेमेडीज पता चलती हैं। उसके बाद आप शुरू करते हैं अपनी स्ट्रेच मार्क्स की देखभाल करना, उन्हें पैम्पर करना, कभी दही लगाकर, कभी टूथपेस्ट लगाकर, कभी नमक चीनी लगाकर, कभी पेट्रोलियम जेली लगाकर, पता नहीं क्या क्या आप उस पर लगा डालते हैं। इतना सब करके ही आप रुकते नहीं है। इसके बाद आप सोचते हैं कि इनसे कोई फर्क नहीं पड़ा तो अब कोई दवाई खोजी जाए। तरह तरह की दवाइयाँ भी आपको सजेस्ट की जाती हैं, एक से बढ़कर एक महंगे से महंगे और सस्ते से सस्ते प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर डालते हैं, पर रिजल्ट निल बटा सन्नाटा। और फिर आपकी जो एडवेंचर ट्रिप थी टू गेट रिड ऑफ योर स्ट्रेच मार्क, ये आपको थका देती है। और होना भी यही था, लिखा भी यही था, नियति भी यही थी, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर आप फैला देते हैं और फैलाकर अगर आप उसको छोड़ते हैं, फॉर एग्जांपल बलून, तो क्या वो अपने नॉर्मल शेप और साइज में आ जाता है? फिर से स्किन के साथ भी सेम कंडीशन होती है। कैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि किसी भी चीज़ को आपने फैलाया और फैलाकर छोड़ा तो फिर वो वैसी की वैसी ही हो जाएगी? तो ज्ञान लीजिए लेकिन सही सोर्स से लीजिए। तो इतनी सारी बातें जो मैंने आपको बताई उसका सार बस यही है कि न कोई ऐसी दवा है, न कोई ऐसी दुआ है जो आपके स्ट्रेच मार्क्स को परमानेंटली खत्म कर दे। हाँ, कुछ ऐसे तरीके जरूर होते हैं जिनकी मदद से आप इन्हें हल्का कर सकते हैं। इनके लिए भी आपको पेशेंस चाहिए, डेडिकेशन चाहिए और सही प्रोडक्ट की जानकारी चाहिए। और इसके बाद भी आपको ये याद रखना चाहिए कि ऐसा नहीं होगा कि स्ट्रेच मार्क्स पूरी तरीके से गायब हो जाएंगे। अब इतना सब बताने के बाद भी कई बार मुझसे पेशेंट्स पूछते हैं कि अरे किसी ने बताया था मैम कि लेज़र ट्रीटमेंट इसमें बहुत इफेक्टिव होता है। तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि क्या उस किसी ने इसको करवाया है? अगर करवाया है तो आप भी जाइए, ट्राई कर सकते हैं आप, लेकिन इस बात को जहन में बिठा के जाइएगा कि लेज़र ट्रीटमेंट भी इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। कम से कम स्टडीज़ तो यही बताती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी बात से अग्री करें, हो सकता है कि आपको मेरी बात संतुष्ट नहीं कर पाएं, तो आप इसके लिए जा सकते हैं, आप लेज़र ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, जस्ट गो फॉर इट, ट्राई करने में क्या जाता है। एक और लास्ट ऑप्शन भी मैं आपको बता दूं, वो है प्लास्टिक सर्जरी का। इसके लिए भी आप जा सकते हैं, जाना है नहीं जाना है ये डिसीजन आपका है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आप तक सही जानकारी पहुंचानी चाहिए। आप मेरी किसी भी बातों को व्यंग की तरह मत लीजिएगा। ये वो सारी बातें थी, ये वो सारे प्रश्न थे जो मुझसे पेशेंट्स पूछते हैं। मैं जो भी बातें करती हूँ आयुर्वेदिक आधार के साथ करती हूँ,
मैं जो भी बातें आपको बताती हूँ वो इस वजह से बताती हूँ ताकि मेरे इस चैनल के माध्यम से आप अगर कोई गलती कर रहे हो अपने हेल्थ को लेकर तो आप उसमें बच सकें। किसी भी तरीके से अपने आप को, अपनी स्किन को लेकर अपने कॉन्फिडेंस को कम मत कीजिए। आपकी चमड़ी को देख के, आपकी खूबसूरती को देख के अगर कोई व्यक्ति आपका आंकलन करता है तो ये उसकी गलती है। अपने कॉन्फिडेंस को आप बिल्कुल भी कम नहीं होने दीजिए। आप जैसे भी दिखते हैं, आपको जैसा भी बनाया है वो परमपिता परमेश्वर ने बनाया है, और जिसे ईश्वर ने खुद बनाया है मुझे नहीं लगता है कि उसे किसी भी तरीके से अपने आप को कम खूबसूरत या कम कॉन्फिडेंट समझना चाहिए। ये तो थी ज्ञान की बात। अब मैं आपको बता देती हूँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल सा सोल्यूशन, आयुर्वेदिक सोल्यूशन आपके लिए, जो आपकी मदद कर सकता है स्ट्रेच मार्क्स को थोड़ा हल्का करने में। पूरी तरीके से इफेक्टिव ये भी रेमेडी नहीं है, ये मैं आपको यहाँ पे जरूर कह देना चाहूंगी। ये जो तरीका है वो स्ट्रेच मार्क्स होने के बाद काम नहीं करेगा। ये जो तरीका है वो आपको स्ट्रेच मार्क्स ना हो या बिल्कुल लाइट हो उसमें आपकी मदद कर सकता है। इसके लिए आपको करना ये है कि सबसे पहले तो अपनी आदत बनानी है अभ्यंग की। अभ्यंग यानी कि सेल्फ मसाज, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। इसके बहुत सारे लाभ होते हैं, न केवल ये आपको संभावित स्ट्रेच मार्क्स बचाएगा, यानी कि उस तरीके से आपकी स्किन को तैयार करेगा ताकि आपको स्ट्रेच मार्क्स हो ही ना, और अगर वो भी तो हल्के हैं। कि और भी कई तरीके के हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, जाके इस वीडियो को देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। एक और रेमेडी, एक और कॉम्बिनेशन बताती हूँ आपको तेलों का, जिसको आपको मिक्स करके बना के अपने पास रख लेना है और कोशिश कीजिए कि इसी से आप अभ्यंग कीजिए। ये जो मिक्सचर है वो है नारियल का तेल और बादाम के तेल का। इक्वल क्वांटिटी में दोनों तेलों को ले लीजिए, एक शीशे की बॉटल में दोनों को मिक्स करके अच्छी तरीके से रख दीजिए और इससे अपनी स्किन की मालिश कीजिए। आप जैसे हैं यूनिक हैं और खूबसूरत हैं, इस बात को ध्यान में रखिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।